हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता, वो भी घर पे। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई गरम करना है, उसमें बटर डालकर उसे मेल्ट करना है। उसके बाद हम उसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसे अच्छे से बटर में फ्राई करेंगे। और फिर कुछ चॉप्ड, रफली चॉप्ड अनियन ले लें और उसे भी हम गार्लिक और बटर के पेस्ट में ऐड करेंगे और हम अनियन को भी बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा फ्राई होने लगे, अब हम इसमें डालने वाले हैं रफली चॉप कैप्सिकम। ऐड करने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से चलाएंगे और उसे थोड़ा फ्राई करेंगे। अब देख सकते हो मेरे पास है डोमिनोज का ऑर्गेनो सीजनिंग। इससे ना गाइस फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो अगर आपके पास ऑर्गेनो सीजनिंग हो डोमिनोज का तो एक पैकेट इसमें ज़रूर डालें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अब देख सकते हो मैंने इसमें रफली चॉप्ड मशरूम भी ऐड किया है, मशरूम से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है वाइट सॉस पास्ता का। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नमक, इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। मैंने अप्रॉक्स 1.5 चम्मच नमक डाला है, फिर इसमें ग्रीन चिलीज डाले। और आप देख सकते हो मैंने वाइट सॉस जो है इसे रेडी करके पहले से ही रखा है। अगर आपको वाइट सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैंने इसमें बटर, मैदा और थोड़ा नमक से बनाया है इसे, और ये बहुत ही ईजी है। अब देख सकते हो मैंने वाइट सॉस को उस पेस्ट में मिला दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा बॉईल करेंगे। आप देख सकते हो ये जो मेरा वाइट सॉस के लिए पास्ता है ये भी रेडी है। तो अब हम लोग जो है इसे आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही चिपचिपा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और ये है हमारा चीज़, अमूल का चीज़, जो मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग जो है थोड़ा चीज़ भी ऐड करेंगे और ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर के लिए। अब देख सकते हो उसे अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम अपना पास्ता को इस पास वाइट सॉस में मिक्स कर देंगे। और अब देख सकते हो ये बहुत ही धीरे धीरे ना, ये जैसे जैसे उस सॉस में, वाइट सॉस में मिक्स होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये बहुत ही डिलीशियस लगने लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। गाइज़ मैंने इसे टेस्ट किया था, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से वो उस, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आए। तो लगभग 5 मिनट तक हमें इसे इसी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा सा 2 मिनट रुक करके फिर से एक बार चला दो, फिर से 2 मिनट रुक करके चला दो। तो हमारा ओवरऑल जो है पास्ता बन गया है, ये ऑलमोस्ट रेडी है गाइस। आप देख सकते हो सॉस अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल दिया था फॉर अ वेरी टेस्टी फ्लेवर। और एक बार और लास्ट में मिक्स कर देना है हमें ताकि कोरिएंडर मिक्स हो जाए। और हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी है, वो भी चीज़ी चीज़ी विद सम कोल्ड ड्रिंक। यम यम यम।